हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर पल हर क्षण मुझे अपने पुत्र की याद सताती है। जन्म लेते ही आपने उसे मुझसे दूर कर दिया। मां बनकर भी मेरी गोद सुनी है प्रभु। मेरे कान मां होकर भी ना अपने बच्चे का रुदन सुन पाते हैं, ना ही उसकी किलकारियां। मेरी बाहें उसे अपनी छाती से लगाना चाहती है, लेकिन लगा नहीं सकती। मेरे होठ उसे चूमना चाहते हैं प्रभु। दूध से भरे मां के स्तन अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए व्याकुल है। मैं अपने पुत्र के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी प्रभु, नहीं जी पाऊंगी। आप मुझसे छल कर रही है गंगा मैया। ये छल नहीं है वत्स, माँ की ममता अपनी संतान की रक्षा कर रही है। नारायण नारायण, प्रणाम माता। माता, लगता है अभी तक बात आप तक पहुंची नहीं। कौन सी बात देवर्षि? नारायण नारायण नारायण, बड़े दुख की बात है। सारे संसार का मंगल अमंगल की कामना करने वाली अपने भावी अमंगल से अनभिज्ञ है। ये तो गंगा मैया की कृपा हो गई और आपका पुत्र बच गया। क्या हुआ मेरे पुत्र को? इस बार तो उसका अपहरण होते होते बच गया, परंतु तारकासुर एक बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं माता। तारकासुर मेरे पुत्र का अपहरण करना चाहता था? सुन रहे हैं आप महादेव? अरे अरे माता, क्या कर रही हैं आप? महादेव की समाधि में बाधा मत डालिए। शिवी पुत्र की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध कीजिए। ये खेल न खेलूं तो क्या करूं? शीश झुकाकर अपनी मृत्यु का स्वागत करूं? सौंप दूं अपने आप को यमराज को? महारानी, मैं मृत्यु का दास बनना नहीं चाहता, मैं मृत्यु का स्वामी बनना चाहता हूं। आज यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो शिव पुत्र आज भी जीवित है और उसका जीवन समाप्त करने वाला तुम्हारा महाराज भी अभी तक जीवित है। देखता हूं गंगा उसकी कब तक रक्षा करती है। देवी गंगा? हाँ हाँ, देवी गंगा। सच कहता हूं, अब भी यदि तुम्हारी उस देवी गंगा ने मेरे मार्ग में आने का प्रयत्न किया तो मैं उसे अपने कारागृह में बंदी बना दूंगा। देवी गंगा असुरों को अपने पुत्र मानती है, और आप माता के बारे में ऐसा बुरा सोच रहे हैं? वो क्या मेरा भला सोच रही है? वो तो केवल मुंह से असुरों को पुत्र मानती है, मन से नहीं। सत्य तो ये है कि देवी गंगा असुरों की शत्रु है, शत्रु। नहीं नहीं स्वामी, देवी गंगा तो सबका उद्धार करती है, वो असुरों की शत्रु कैसे हो सकती है? उद्धार उसने केवल देवताओं का किया है, असुरों के प्रति कभी अपनी ममता अपनी मित्रता नहीं दिखाई उसने, और अब मैं भी उससे शत्रुता निभाने वाला हूँ। माता से शत्रुता? माता? ये माता तो मेरी मृत्युदाता की आश्रयदाता है, आश्रयदाता। नहीं स्वामी, ये आपका भ्रम है। नहीं, ये मेरा विश्वास है। अन्यथा शिव पुत्र को मेरे हाथों से बचाने का क्या कारण था? क्या गंगा नहीं जानती कि शिव पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु होने वाली है?
जानते हुए भी शिव पुत्र को जीवन दान देने का क्या अर्थ होता है? यही ना कि वो मेरी मृत्यु चाहती हैं। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा अशुभ मत बोलिए। मैं तो कहती हूँ आप शिव पुत्र के सामने ही मत जाइए। महारानी, आप अपने महाराज तारकासुर को कायर या भीरू समझती हैं? नहीं स्वामी, मैं तो ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता को समझती हूँ और किसी भी प्रकार आपको उसे बचाना चाहती हूँ। अपने सुहाग की अमरता चाहती हूँ मैं। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महाराज, अपने आप को शिव पुत्र से दूर रखिए। तुम तो ऐसे ही चिंता कर रही हो प्रिय। शिव पुत्र मेरा वध कर सकता है किंतु करेगा नहीं। क्या? हाँ, मैं उस पौधे को बड़ा होने से पहले ही जड़ से उखाड़ फेंक दूंगा। महारानी, हमारी बुद्धि और बल पर विश्वास रखो और शिव पुत्र की ओर से आने वाले किसी भी प्रकार के प्रहार से निश्चिंत हो जाओ। मैं कैसे निश्चिंत हो सकती हूँ? हर पल हर क्षण मुझे अपने पुत्र की याद सताती है। जन्म लेते ही आपने उसे मुझसे दूर कर दिया। मां बनकर भी मेरी गोद सुनी है प्रभु, मेरे कान मां होकर भी मैं अपने बच्चे का रुदन सुन पाते हैं, नहीं उसकी किलकारियां। मेरी बाहें उसे अपनी छाती से लगाना चाहती है लेकिन लगा नहीं सकती। मेरे होठ उसे चूमना चाहते हैं प्रभु। दूध से भरे मां के स्तन अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए व्याकुल है। मैं अपने पुत्र के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी प्रभु, नहीं जी पाऊंगी। मुझे मेरा पुत्र ला कर दीजिए। देवी पार्वती, आप सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रही हैं? क्यों उस सत्यता को विस्मृत कर रही हैं कि परमपिता ब्रह्मदेव ने तारकासुर को वरदान दिया है कि हमारा ही पुत्र उसका। हमारे ही पुत्र से क्यों प्रभु? क्या सोचकर उन्होंने मेरी ममता पर आघात किया? प्रभु, ये कैसी विडंबना है, कैसा अन्याय है ये। मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मेरी ममता पर तरस खाइए। मुझे मेरा पुत्र ला कर दीजिए प्रभु, अभी इसी समय, अन्यथा मुझे प्राण रहित समझिए। तो ठीक है देवी, मैं अभी सूर्यगंगा जाकर आपके प्रिय पुत्र को लेकर आता हूं। महादेव, ये आप क्या करने जा रहे हैं महादेव? ब्रह्मदेव, देवी पार्वती चाहती है कि आप सत्य में ही भोलेनाथ हैं। देवी पार्वती ने भावनाओं में आकर कुछ कह दिया और आप मान गए। देवी पार्वती का मन तो इस समय मातृ प्रेम और पुत्र मोह में फंसा हुआ है। इनका ध्यान सृष्टि के उन सभी पुत्रों पर है ही नहीं जो तारकासुर के हाथों मारे जाएंगे। उन माताओं की व्यथा भी नहीं देख पा रही हैं कि जिनकी गोदें सूनी हो जाएंगी। परंतु परमपिता, आपने ऐसा वरदान दिया ही क्यों? मैं वरदान देता हूं तपस्वी की तपस्या पर प्रसन्न होकर, किंतु जगत कल्याण से विमुख कभी नहीं होता। देवी पार्वती, ये आप कैसे भूल रही हैं कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी होती है? क्षमा कीजिए परमपिता, किंतु मुझे अपने पुत्र को अपने से दूर रखने में कोई भलाई दिखाई नहीं देती।
आप भगवान शिव को सुर गंगा जाकर हमारे पुत्र को लाने दीजिए। आप कैसी माँ है देवी जो अपने पुत्र की सुरक्षा नहीं चाहती? कैसी माँ है आप जो अपनी संतान का कल्याण नहीं चाहती, उसका जीवन नहीं चाहती? ये जानते हुए भी कि तारकासुर आपके पुत्र के प्राणों का शत्रु है, उसे एक बार अपहरण करने का प्रयास भी कर चुका है और फिर प्रयास करेगा, वो प्रयास करेगा शिव पुत्र की हत्या का। नहीं, नहीं। क्या आप चाहती हैं देवी कि तारकासुर अपने प्रयास में सफल हो? क्या आप अपने पुत्र की मृत्यु चाहती हैं? नहीं, नहीं, नहीं। देवी, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता, प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। धन्य है आप प्रभु, धन्य है। सब कुछ जानते हुए भी माता पार्वती की सांत्वना के लिए कैसे तैयार हो गए आप सुर गंगा जाने के लिए? मेरे वरदान की सफलता का श्रेय महादेव को ही जाने वाला है वत्स। परंतु नारायण नारायण, एक प्रार्थना करने को बहुत दिनों से मन कर रहा था परमपिता, यदि आप क्षमा कर दें तो। कहो वत्स। अपने इस पुत्र की धृष्टता पर ध्यान मत दीजिए और यह बताइए परमपिता कि आप विधाता होते हुए भी अपने आप पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकते? ये मेरा वत्स मुझसे पूछ रहा है या एक देवर्षि ब्रह्मा से पूछ रहा है? देवर्षि भला ब्रह्मा से कुछ पूछने का दुस्साहस कर सकता है? यह जानते हुए भी कि ब्रह्मदेव सदा कल्याण में लगे रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा वरदान देते हैं, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, कभी किसी को शाप नहीं देते। मैं सत्य कह रहा हूं ना परमपिता? नारद अपनी सीमा जानता है, परंतु पुत्र नारद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछ सकता है, पूछ सकता है ना परमपिता? नारायण 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 नारायण। आपकी वात्सल्य भरी मुस्कान ने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। किंतु फिर किंतु? महादेव, कोई पूछ नहीं सकता इनसे, अथवा कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं कर सकता कि अपनी प्रसन्नता पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकते, क्यों वरदान देने पर बड़े उतावले हो जाते हैं? वरदान ये देते हैं और उसका परिणाम आपको और भगवान विष्णु को संभालना पड़ता है। पिताश्री, आगे से वरदान देने से पहले तनिक सोच विचार कर लिया कीजिए। सुझाव के लिए धन्यवाद वत्स नारद, किंतु इस ब्रह्मदेव के हाथ बंधे हुए हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? आपके हाथ बंधे हुए हैं? किसमें? विधि के विधान में। नारायण 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 नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। प्रणाम भार्गव। गंगे, प्रणाम मुझे। ऐसा क्या काम आ पड़ा गंगी जो पहले तो आप मेरे आश्रम में पधारी और फिर मुझे प्रणाम? आपके दिल में क्या है देवी? मैं बिना सोचे बिना समझे आपके इस प्रश्न का उत्तर हाँ मैं देने के लिए बड़ा तत्पर हूँ। बड़ी कृपा आपकी भार्गव, आप सचमुच महान हैं।
अपनी मृत्यु पर तो आपने शिव जी के आशीर्वाद से विजय पा ली है, किंतु अब आपके आशीर्वाद से तारकासुर भी मृत्यु पर विजय पाना चाहता है। मेरा आपको प्रणाम करने का ये कारण अनुपयुक्त नहीं। ओ, तो आज आपकी चित्तवृत्ति मेरा उपहास करने की है? नहीं भार्गव, मैं तो चाहती हूँ आप अपने तपोबल का, अपनी तपस्या का उपहास न उड़ाएं। आप तारकासुर के गुरु हैं, तो क्या उसे योग्य दिशा दिखाना, उसका मार्गदर्शन करना, उसे उचित अनुचित समझाना आपका कर्तव्य और आपका धर्म नहीं? गंगे, 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 गंगे। तुम मुझ आचार्य को मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म समझाने आई हो? बहुत बहुत धन्यवाद देवी। मैं भली भांति जानता हूं कि मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म क्या है, और उसी का पालन भी कर रहा हूं मैं। यदि मेरा धर्म पालन करना तुम्हें आपत्ति है तो कहो मुझसे। और हां गंगे, तारकासुर के प्रति तुम्हारी कोई शुभेच्छा नहीं है, उसका कोई दोष है तो बताओ। एक शिशु के प्राण लेने का प्रयास आपकी दृष्टि में क्या है? गंगे, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वो प्रयास क्यों है, और यदि वो प्रयास नहीं किया गया तो उसका परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा? तुम समझ रही हो ना गंगे, समझ रही हो ना? वो शिशु तारकासुर के प्राणों का शत्रु होने जा रहा है, तो क्या तारकासुर अपने प्राणों की रक्षा करने का प्रयास नहीं करेगा? यही कहना चाहती हो तुम? प्राणों की रक्षा भी कभी होती है भार्गव? अपने जैसे वरदान पाए लोगों को मत गिनो। कितने हैं जो इस संसार में सदा अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं और मृत्यु को प्राप्त नहीं होते? अब आपको मुझे समझाने की आवश्यकता है क्या कि सृष्टि नाशवान है? जो भी जन्मा है, जो भी उत्पन्न हुआ है इस सृष्टि में, वो मरेगा ही, उसका नाश होना ही है। क्या तारकासुर इसका उपवाद हो सकता है? नहीं ना, आज नहीं तो कल मृत्यु के अधीन तो होना ही है उसे। तो फिर वो मृत्यु को अपने अधीन करने का व्यर्थ प्रयास क्यों कर रहा है? अच्छा, तो तारकासुर के इस प्रयास ने तुम्हें विचलित किया है? मैं विचलित नहीं, चिंतित हूँ भार्गव। मैं चाहती हूँ सृष्टि में प्रेम भक्ति और मित्रता का सूर्योदय हो, और द्वेष तथा शत्रुता की रात्रि सदा के लिए नष्ट हो जाए। मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ गंगे, पूरी तरह से सहमत हूँ। तुम शिव पुत्र तारकासुर को सौंप दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ असुरों की भक्ति, असुरों का प्रेम और असुरों की मित्रता का उदय होता और चमकता सूर्य। भार्गव, गंगे, 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 यदि तुमने शिव पुत्र तारकासुर को नहीं सौंपा। जो मैं नहीं सौंपूंगी, किसी भी दशा में नहीं सौंपूंगी। मैं तारकासुर की अभिलाषा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। उसके मार्ग का सबसे बड़ा कांटा मैं हूं, मैं उसे शिव पुत्र के पास भी नहीं फटकने दूंगी। तो ठीक है गंगी, तुम अपना प्रयास करो और मैं अपने तपोबल का प्रयोग करता हूं। देखते हैं शिव पुत्र बचता है या तारकासुर अपनी मृत्यु पर विजय पाता है। मुझे तुम पर दया आती है भार्गव, कितनी तपस्या करते हो, कितने कष्ट देते हो अपने शरीर को, तब जाकर तपोबल अर्जित करते हो, और उस तपोबल को ऐसे दांव पर लगा देते हो जैसे ये तुम्हारा अर्जित तपोबल नहीं किसी अन्य का है। फिर से सोच लो भार्गव, व्यर्थ ही तुम्हारा तपोबल नष्ट हो जाएगा तो क्या करोगे? मैं फिर से तपस्या करूंगा, मैं फिर से तपोबल अर्जित करूंगा, समझी? तुम्हारा कल्याण हो वत्स।